2024 लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट ही जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। इस रेस में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। वहीं केवल की वायनाड सीट के अलावा राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के पांचवें फेज में 695 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें महिलाएं केवल 12% हैं।